नमस्कार, उत्तर प्रदेश के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे एवं बड़े खबर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और न्यूज के अंत तक बने रहें। सभी श्रोतागण को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं के साथ खबर को शुरू करते हैं। जानते हैं आज की ताजा खबर। भदोही को 199.40 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने किया लोकार्पण। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के आखिरी दिन भदोही जिले में पहुंचकर उन 197.21 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल योजनाओं के 750 लाभार्थियों को लाभान्वित भी किए। इस दौरान उन्होंने करीब आधा घंटा जनसभा को संबोधित किया, जहां विपक्षी दल उनके निशाने पर रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कारपेट एक्समो मार्ट के माध्यम से दुनिया भर के कालीन बाजार को भदोही लेकर आएंगे। यूपी में मौसम को लेकर भारी अलर्ट, ठंड से ठिठुर रहा उत्तर प्रदेश। अब बारिश और शीतलहर का अलर्ट, रहे सावधान। जी हां, राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गलन भरी सर्दी का सितम जारी है। सुबह से भले ही सूर्यदेव के दर्शन हो जा रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे चलने वाली पछुआ हवाओं लोगों को ठिठुरा रही है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। बुधवार रात से ठिठुरन भरी सर्दी और इजाफा हुआ है कि गुरुवार को भी जारी रहा। धूप के बावजूद गलन में कमी नहीं आ रही। राजधानी समेत कई जिलों में न्यूनतम पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्राइमरी स्कूल में 30 से कम होगी बच्चों की संख्या तो होगा विलय। जी हां, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। अब 30 से कम छात्र संख्याएं वाले स्कूल का पास के स्कूल में सम्मिलन किया जाएगा। वहीं किराए के भवनों में संचालित स्कूलों के लिए भी नई नियमावली सरकार ने जारी कर दी है। मुलायम के यश भारती के बाद योगी का राज्य संस्कृति पुरस्कार। सरकार हर साल 25 लोगों को करेगी सम्मानित। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब यश भारती पुरस्कार योजना के तर्ज पर एक नए पुरस्कार को शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूपी सरकार की तरफ से कलाकार, समाजसेवी, संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवियों का सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार योजना को शुरू किया जाए। इस पुरस्कार की योजना संबंधित विभाग ने बना भी ली है। इसे राज्य संस्कृति पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा और कुल 25 लोगों को इसके तहत सम्मानित किया जाएगा। इस योजना में सबसे बड़ा पुरस्कार 5 लाख रुपए का होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया जाएगा। हीटर पर आग ताप रहे हैं तो हो जाएं सावधान, जा सकती है जान। जी हां, सर्दी के मौसम के अलावा अतिरिक्त इलेक्ट्रिक रूम हीटर काफी राहत पहुंचाते हैं, लेकिन इटावा में एक व्यक्ति की इससे जलकर मौत हो गई। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बिजली विभाग के कार्यालय का है। यहां बुधवार देर शाम पहली फ्लोर पर बने एक कमरे में रूम हीटर से लेखाधिकारी का संविदा चालक अशोक आग ताप रहा था, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई, जिसके संपर्क में आकर वह पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया व पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ेंगे आगामी 20 चुनाव, ओम प्रकाश राजभर। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों की एका बड़े बड़े दलों की नींद उड़ा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 9 छोटे छोटे दलों को मिलाकर संयुक्त भागीदारी मोर्चा तैयार किया है। उनके साथ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी से हाथ मिला लेने के सवाल पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला ले तो ठीक, मुसलमान कांग्रेस
और सपा बसपा के साथ रहे तो ठीक, लेकिन अगर मुसलमान ओवैसी के साथ रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की बात करे तो क्या वह देशद्रोही हो जाएगा? जिसको जो कहना है वह कहता रहे, लेकिन 2022 में हिंदू मुस्लिम नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पर चुनाव लड़ेंगे। 1 जनवरी से प्रदूषण जांच के लिए पड़ेगा 2 गुना पैसा। जी हां, 10,000 रुपये होगा जुर्माना। जाने क्या है नया नियम, अगर आपने वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराई है तो तत्काल करा लें, नहीं तो 1 जनवरी से जांच कराने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जाँच महंगी हो जाएगी। गाड़ी मालिकों को दोपहिया से लेकर सभी तरह के वाहन के प्रदूषण की जांच के लिए अब 2 गुना पैसा खर्च करना होगा। फास्टैग से 15 फरवरी तक मिली छूट। जी हां, उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। नववर्ष 2021 से फास्टैग व्यवस्था लागू नहीं होगी। 15 फरवरी तक डेडलाइन बढ़ गई है। वैसे तो 1 जनवरी 2021 से सभी वाहन चालकों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया, पर इस व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने अब डेडलाइन बढ़ा दिया है। गो आयोग की पहल, गायों पर उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु पीठ स्थापित करने की अपील की। जी हां, उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से स्वदेशी गायों पर अनुसंधान और उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अपने परिसरों में कामधेनु पीठ स्थापित करने की अपील की है। यह अपील इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा हाल ही में कैंपस में इस पीठ को स्थापित करने के प्रस्ताव के बाद जारी की गई थी। कोरोना वैक्सीन, 2 जनवरी से देश भर में चलेगा ड्राई रन। DCGI बोले नए साल में नहीं होंगे खाली हाथ। जी हां, नई दिल्ली कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार पूरे देश में ड्राई रन चलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन चलाया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई चलाने के आदेश दिए हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक मीटिंग भी की थी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डॉक्टर वीजी सोमानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए साल में हम खाली हाथ नहीं होंगे। सीएम योगी का बड़ा बयान, 6 साल पहले भारत पिछड़ा देश था, अब दुनिया हमारे पीछे चलने के लिए हो गया है मजबूर। जी हां, वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते रुतबे का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज से 6 वर्ष पहले दुनिया ये मानती थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, लेकिन देखते ही देखते 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पूरी तस्वीर बदल दी है। अब भारत दुनिया के सामने एक सबल राष्ट्र है। आज दुनिया भारत के पीछे जाने के लिए मजबूर है। ये नए भारत की तस्वीर है, इसलिए देशवासियों को नए भारत के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुकेश अंबानी ने बेचा अपना सपना, 2021 में करेंगे ये बड़ा काम। जी हां, देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी अब रिलायंस को टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स कंपनी में बदलना चाहते हैं। खबर है कि वे रिलायंस के तेल व पेट्रोकेमिकल कारोबार में भी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। कल से शुरू हो रहे नए साल यानी 2021 में कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता 5G है। इसके साथ ही वह फेसबुक की व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को रिलायंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और ई कॉमर्स कारोबार को फिजिकल स्टोर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनकी रिलायंस के तेल एवं पेट्रोकेमिकल कारोबार में भी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स और GST रिटर्न भरने की डेट आगे बढ़ी। जी हां, केंद्र ने बुधवार को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर और GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट किया जाना है उनके द्वारा ITR दाखिल करने की समय सीमा 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। नववर्ष पर राज्यपाल ने जारी किए ये गाइडलाइन। जी हां,
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नववर्ष के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय, रोगमुक्त व स्वस्थ जीवन की कामना की है। नववर्ष पर जारी अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि नववर्ष सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। जी हाँ, उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में सावधान और सतर्क रहें, भीड़भाड़ से बचें तथा सामाजिक दूरी के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए नववर्ष का आनंद लें। CBSE 10th 12th परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानिए कब होगी परीक्षाएं। जी हाँ, नई दिल्ली के CBSE बोर्ड 10th और 12th की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। CBSE के बोर्ड एग्जाम 4 मई से शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर और फेसबुक पर बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड की परीक्षाएं पेन पेपर की मदद से ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। हालांकि कोरोना से सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसके लिए एग्जाम सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना आवश्यक है। साथ ही सेंटर पर भीड़ ना हो, इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।